हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरोप बार बार लगाया जाता है कि महात्मा गांधी ने अपने प्रभावों का इस्तेमाल कर भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की। ये गलत है। दरअसल 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे इसी नाम से गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। उसके पहले सब चाहते थे कि महात्मा गांधी उस समझौते में ये शर्त डाल दें कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दी जाए। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं का दबाव भी था, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी और महात्मा गांधी का मानना कुछ और था। उनका मानना था कि गांधी इसके लिए इरविन से अलग से बात करें। गांधी ने इरविन से फांसी रोकने को कहा था। गांधी जी ने बात भी की, कहा, इस मुद्दे का हमारी बातचीत से संबंध नहीं है, मेरे द्वारा इसका जिक्र किया जाना शायद अनुचित भी लगे, लेकिन अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय ने इस पर हामी भी भरी थी, लेकिन ये कहा कि सजा कम नहीं होगी, टाली जा सकती है। बाद में इरविन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजी अपनी रिपोर्ट में भी गांधी के साथ हुई इस बात का जिक्र किया था। फांसी वाले दिन तक गांधी कोशिशें करते रहे थे। महात्मा गांधी और उनके साथियों ने कानूनी रास्ता निकालने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महात्मा गांधी 21 और 22 मार्च को भी इरविन से मिले, 23 मार्च को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 24 मार्च को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपना दुख बताया, कहा, मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुई। एक बात और याद रखी जाए कि भगत, राजगुरु और सुखदेव खुद माफी मांगने के खिलाफ थे। वो अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हें मोदी जी की कसम, कमेंट जरूर करोगे। और हाँ दोस्तों, काम नहीं, कारनामे बोलते हैं।